हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए कुछ लिविंग रूम का मेरे पास फाइल है, उसके लिए कॉम कैसे करते हैं और कोरोना रेंडर को और इन्हांस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, देन आना है आपको स्क्रिप्ट में, देन आना है लोड फाइल इन्फो, देन ब्राउज में जाना है, बाद में आपके जो रेंडर उसको सिलेक्ट करना है, देन ओके करना है, फिर ओके। हमारा फाइल ओपन हो चुका है। अभी इसके बाद क्या करना होगा कि इसे हमें सीक्वेंस वाइज इसको यहाँ पे लेयर वाइज लगाना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे ये यह है, ठीक है, मेन लेयर तो लिविंग रूम, इसको नीचे रखना है, देन ये सारे लेयर को मैं सबसे ऊपर रखूँगा। ठीक है, इतना हमारा ये हो चुका है। उसके बाद जैसे यहाँ पे रिफ्रेक्शन है तो मैं इसे करूँगा यहाँ पे स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन किया, अभी मुझे जो भी अमाउंट चाहिए यहाँ पे मेरे 50% ही चाहिए, मैं 50% करूँगा। देन यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, अभी रिफ्लेक्शन में इसको स्क्रीन करूँगा। स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे 20-30 आपको देख लेना है यहाँ पे क्या क्या आपको लगेगा कि कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हो ओपेसिटी में। उसके बाद ये आता है यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट, देन यहाँ पे करना है स्क्रीन। ठीक है, अभी लाइट कितना चाहिए इसमें, यहाँ पे 30% चाहिए क्योंकि पहले का थोड़ा डल था तो मुझे ब्राइट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है डायरेक्ट लाइट, इसके भी स्क्रीन किया, अभी यहाँ पे वाइट और इसे 10% करूँगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद इस सारे को मैं यहाँ पे मर्ज करूँगा, सारे को आपको कमांड देना है, इस सारे को मैं यहाँ पे अभी मर्ज करूँगा, आपको कमांड देना है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, देन आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपको जाना है फिल्टर में, यहाँ पे आना है कैमरा रॉ फिल्टर, और कैमरा रॉ फिल्टर आपको मिलेगा फोटोशॉप सीसी वर्जन में ही मिलेगा और दूसरे फोटोशॉप में नहीं मिलेगा आपको, जैसे CS6 CS5 जो भी डाउनलोड करेंगे उसमें नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सीसी वर्जन में ही मिलेगा कैमरा रॉ फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मैनुअल सेट करूँगा इसे, मुझे जो भी चाहिए यहाँ पे कितना क्लियरिटी चाहिए, यहाँ पे मैं इसे 50%, ठीक है, यहाँ पे 10, इसे यहाँ पे -20, देन यहाँ पे सेचुरेट अमाउंट जो है, ठीक है, यहाँ पे 2, ये किया। उसके बाद आना है मुझे यहाँ पे, देन यहाँ पे जो भी कलर है जैसे वुडन कलर मुझे, ठीक है, ये मैंने किया, देन ओके किया। अभी देखेंगे यहाँ पे सब वुडन कलर एकदम रेड रेड लग रहा है, जो बाउंस हो रहा है मैंने उसे कम कर दिया है, तो मुझे ऐसा चाहिए था, इसे मैंने ऐसा कुछ बनाया है। ठीक है, ये थोड़ा वाइटिश शेड है, इसके लिए मैंने कहा अभी मुझे यहाँ पे इसको हल्का से मैं यहाँ पे 80% कर दूंगा। ठीक है, 80% यहाँ पे किया, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डल होगा 50% आप कर सकते हो। ठीक है, 50% हो गया। उसके बाद यूज़ करना है हमें यहाँ पे फिर से कमांड देना है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, देन सारे लेयर मर्ज होके फिर एक नया लेयर बनता है, आपको इसे करना है राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन आपको यहाँ पे यूज़ करना है फिल्टर में जाके निक कलेक्शन, यहाँ पे आपको उसको ओके करना है। ये देखिए पहले वाला थोड़ा फेड था, अभी ये पूरा शार्प हो गया। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं मैं। ठीक है, ये हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद अभी जो मेन चीज़ है उसके बाद मैं आपको बताने वाला बहुत, तो क्या करते हैं वायर कलर से हम मतलब सिलेक्शन ले लेते हैं, जैसे मुझे अभी ये करना है, ठीक है, इसको मुझे थोड़ा और डार्क करना है इस शेयर को, तो मेरे पास यहाँ पे आईडी भी है, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने निकाला है वायर कलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वायर कलर पे क्लिक किया, देन मैजिक वैंड टूल इसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट पकड़ा, इसको शिफ्ट पकड़ के आप इसे प्लस कर सकते हो, तो यहाँ पर जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे इस लेयर पे जाके इसे क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देते, जैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉपी निकाल लिया, जैसे मैं यहाँ पे ये लेयर है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे करूँगा कंट्रोल जे, कंट्रोल जे करके इसको मैं ऊपर लाऊंगा, तो क्या होता है कंट्रोल जे करके करने से क्या होता है, जो हमारा पुराना होता है वो आ जाता है, और बहुत लोग ये भी करते हैं, आपको ऐसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है
ठीक है, हमारा सिलेक्शन लाया फिर से। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से करूँगा कंट्रोल जे, तो इसमें क्या होगा कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, आप देखें इसका सिलेक्शन बन गया, लेकिन ये मेथड गलत है। बोल दो क्या करते हैं, इस पर ही करके कंट्रोल जे निकाल के फिर उसके बाद क्या करेंगे, अलग से यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज में फिर एडजस्टमेंट में फिर आप यहाँ से कलर करेक्शन जो भी देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पर कलर चेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अभी ओके करने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, समझ लो, मुझे इसमें दोबारा चेंज करना है कुछ कलर का, तो कैसे करोगे आप? आपको फिर से ये मतलब हमारा लेयर वेस्ट हो गया, तो आप ऐसा ना करो। इसे मैं डिलीट मारता हूँ, मैं इसका सिलेक्शन ले लेता हूँ, पहले कंट्रोल प्रेस कर इस लेयर पर क्लिक करूँगा, मेरा सिलेक्शन आ जाएगा। इससे पहले मैं डिलीट मारता हूँ, इस लेयर को भी डिलीट करना है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करना है, आपका जो मेन लेयर है यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोगों ने रेंडर निकाला उस पर आपको माउस क्लिक करना है, उस लेयर को सिलेक्ट करके देन आपको यहाँ पे जाना है। जैसे मैंने लिया कर्व्स, अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर बैलेंस ले सकते हैं, ह्यू सैचुरेशन ले सकते हो। जैसे मैंने अभी ये ले लिया, अभी मुझे इसे डार्क करना है, तो मैं यहाँ से इसे डार्क करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे डार्क कर लिया, ठीक है, इसे मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसमें अगर चेंजेस करना है तो मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर जो पहले अगर मैंने कॉपी पेस्ट जो किया था, अगर आप वैसा करोगे तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपको लेयर डिलीट मारना होगा, नया लेयर फिर से लेना होगा, उसमें डबल मेहनत होता है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करता हूँ, कॉपी पेस्ट आप भी ना करें, आप भी ऐसे करके भी क्या होगा, समझ लो मेरा इस फाइल में कुछ चेंजेस आया, दोबारा कुछ करना हुआ तो मैं ये लेयर वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता दूसरे फाइल में। ये हमारा हो गया, जैसे अभी हमें और कुछ डार्क करना है तो उसे हम सिलेक्ट करके और डार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सोफा दिया हुआ है, इसे मैं, ठीक है, यहाँ पे आईडी सिलेक्शन ले लेता हूँ, इसको शिफ्ट पकड़ के आप इसे कर सकते हो, या तो राइट क्लिक करके सिमिलर कर सकते हो। लेकिन सिमिलर करने से क्या होगा, आपका वो कलर जहाँ पे रहेगा सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे, हाँ, अभी हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, इसे ऑफ किया, देन आपको यहाँ पे आना है, क्या जिसे मैंने सिचुएशन ले लिया, व्यू लेने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर आना है, व्यू सेचुरेशन लेने के बाद जैसे मुझे कुछ यहाँ पे कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी लाइट डार्क है आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे इसमें 0 रखता हूँ मैं, ठीक है, देन आप यहाँ से भी कर सकते, पिक किया मैंने इसे, पिक करने के बाद कम ज़्यादा आप कर सकते हो। रेडिश है, यहाँ पे मैंने मास्टर कलेक्शन जैसे ले लिया, हल्का मुझे उसमें रेडिश चाहिए तो मैंने यहाँ पे रेड ऐड कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। जैसे मैंने किया, मुझे कम चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 50% इसे कर दूँगा, ताकि 50% ही वो हो। अभी जैसे ये बाहर के हैं यहाँ पे, तो बाहर का सिलेक्शन ले लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, इस लेयर में आया यहाँ पे, तो मैंने सिलेक्ट किया मैजिक वैंड टू से, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे भी, ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, ये उसको इसे ऑफ करूँगा मैं। ठीक, अब उसके बाद मुझे मेन लेयर पे आना है, देन यहाँ पे करना है कलर बैलेंस, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा। अभी मुझे यहाँ पे ऐड करना है ग्रीन टोन थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा ग्रीनिश ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने हल्का सा ऐड किया, जैसे ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे 50%, ठीक है, ये हमारा हो गया है। उसके बाद अगर आपको और कुछ लाइट डार्क करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको वैसे ही करना पड़ेगा, दूसरा मेथड नहीं है। आप दूसरा कुछ मेथड अगर यूज़ करते हो कॉपी पेस्ट करके, बाद में दोबारा कुछ चेंजेस आएगा तो आप कर नहीं पाओगे उस चेंजेस को, इसलिए मैं बोल, आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि कैसे करना है। तो आप ऐसे कीजिए, अभी हमारा आप देखेंगे कि रॉ रेंडर कैसा, रॉ रेंडर ये है, देन ये कॉम किया हुआ रेंडर है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे जैसे लैम्प है, लैम्प को इसे मुझे डार्क करना है, तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे जाना है आपको मेन लेयर में, देन यहाँ पे यूज़ करना है कर्व्स, इसको आपको सबसे टॉप में रखना है, देन इसे आपको डार्क करना है, ठीक है, ये देख
मैंने डार्क किया, अब ये क्या हो गया, हाईलाइट होने लगा। ठीक है, उसके बाद जैसे फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग अगर मुझे कलर चेंज करना है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेंज करना है। सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिलेक्शन, ठीक है, आप शिफ्ट पकड़ के ऐड कर सकते हो। ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद यहाँ जैसे मुझे लाइट डार्क करना है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, आपको क्रॉस लेना है, देन यहाँ पे हल्का सा मैंने डार्क किया, आप अगर लाइट करना लाइट भी कर सकते हो, देन इस लेयर को आपको ऊपर रखना होगा तो ये आपको दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, अगर मुझे इसे सेचूरेट कम करना है, मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं ब्राउन कलर ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं भी उसे हल्का सा यहाँ पर डार्क करता हूँ मैं इसे। ठीक है, देन कंट्रोल प्लस कंट्रोल होल्ड करके आपको यहाँ पे माउस क्लिक करना है तो आपका सिलेक्शन फिर से आ जाएगा। आपको देन यहाँ पे फिर जाना है, देन आपको यहाँ पे जाना है ह्यू सेचुरेशन में, देन इसको मैं टॉप में लेके जाऊँगा। टॉप में ले जाने के बाद इसमें जैसे सेचुरेशन लेवल जो है उसमें यहाँ पे बढ़ाऊँगा। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी किया, आप देखेंगे ये। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे पूरा सेचूरेट हो गया है, तो हल्का सा मुझे अगर ब्राउनिश ही है तो मैं यहाँ पे क्या उसको 50% कर दूंगा, ये देखो। ठीक है, पहले ऐसा था अभी ऐसा हुआ है, देन इसे मैं अभी यहाँ पे लेयर ऑन ऑफ करता हूँ। आप देख सकते हैं रॉ इमेज कैसा था एंड कॉम्ब इमेज कैसा है। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज।